लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए अंकल कि आप हाई कोर्ट में जंग लड़े और जीते। हिमाच वीजा मिल गया इसे। मंच पापा को सॉरी बोल। मैं क्यों बोलूं? हिमांश तुम बड़े हो, तुम माफ कर दो इसे। सॉरी तो बोले पहले। मुझे कौन देगा एमसी की जॉब? लूजर्स की तरह बात मत कर। ट्राई किया तूने? तू चिंता मत कर, कोई माई का लाल हमें अपने घरों से निकाल नहीं सकता। बिल्डिंग इलीगल है तो डिमोलिशन होगा। कोर्ट ऑर्डर करती है कलाकृति सोसाइटी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए। शास्त्री, तुम्हारे फादर के दोनों आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं। तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। हाँ तो करिए ना, क्या प्रॉब्लम? आपके फादर के ऑपरेशन के लिए जो फोर्थ जनरेशन स्टेंट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर। That won't help. पूरे शहर में शॉर्टेज है मिस्टर सेठी। ऐसे कैसे हो सकता है? जब से गवर्नमेंट ने स्टेंट्स की प्राइस कम कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शॉर्टेज कर दी है। मतलब उन लोगों की लड़ाई में पेशेंट सफर करेंगे, दादू का क्या होगा? लुक, वी आर ट्राइंग कि किसी दूसरे हॉस्पिटल से अगर स्पेयर स्टेंट्स मिल जाए, लेकिन तब तक वी हैव टू पुट हिम ऑन एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन। और स्टेंट्स मिलते ही I'll let you know. Till then we'll shift him in the ward, okay? एक मिनट, निखिल तुम बत्रा हॉस्पिटल फोन करके पता करो। तुम अपने डैड को फोन करो, उनसे बोलो कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके बताएं। और तुम दोनों ना दूसरे हॉस्पिटल में फोन करके पता करो। पापा जी ना हार्ट अटैक आ रहा है। सॉरी भाई, यहां ना हॉस्पिटल कार्डियोलॉजिस्ट साहब का स्टेंट लगा है। स्टेंट छोटे को जुगाड़ कर सकते हो क्या? सुन ना सर, स्टेंट ने इस स्पेयर एंड नोबडी पुट। दिस इज व्हाई आई हेट दिस कंट्री। दीवारों दरवाजों छत से बनता मकान, रिश्तों के तिनकों से बसता आशियां, सजावट सपनों की हो, खुशबुएं अपनों की हो, जो गूंजे किलकारी हो, दुख में हिस्सेदारी, थोड़ा सा प्यार हो, थोड़ी तकरार हो, प्यार तकरार हो तब बनता है हो। यार मैंने अपने भाई को भी बोला था, ही इज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। अच्छा, पर उसके हॉस्पिटल में भी स्टेंट अवेलेबल नहीं है। सीनियर सिटी जी को हमारी रिकॉर्ड्स देना। बेचारों ने बहुत कोशिश की कोर्ट में, जज ही कमीना निकला। चल तुम हृदय वेट कर। हाँ जाओ। एक तो कल रात को मेरी इनकी ना हालत बहुत खराब हो गई थी, बीपी हाई हो गया था। अरे बाप रे। दो टैबलेट्स दिए तब जाकर कहीं मामला सेटल हुआ है। तो ये घर का स्ट्रेस, ऊपर से वो बीएमसी वाले नया नोटिस लगा कर गए, आ जाएंगे 4-5 दिन में लाइट वेट काटने के लिए। क्या सोचा है तुम लोगों ने, क्या करोगे, कहाँ जाओगे? चिराग तो कब से कह रहा है कि मम्मी आप लोग टोरंटो आ जाओ, लेकिन नए जगह पर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना सब नॉट पॉसिबल ना बेटा। तुम और मोहसिन तो जल्दी से शिफ्ट हो जाओ, ऐसी हालत में स्ट्रेस ठीक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आंटी कहाँ शिफ्ट हो? लोन लेकर तो घर खरीदा था, EMI अब तक जा रही है, अब दूसरा घर कहाँ से आएगा? वंदना तूने क्या सोचा? चलिए आंटी फिर
चलते हैं हम लोग. चलो बाय. टेक केयर जुल्फी. चलो बैग पैक करते हैं. आ जा. सूटकेस उतारो. आ रहा हूं. ठीक है ना पापा? बेटे मेरी बात सुन. दोनों भाइयों में तू बड़ा है. तो बड़ा बन बेटा. सच छोड़ दे. ओके पापा. जाली बैग भरून सब ले लिया ना. अंडीज, नया टूथब्रश, बाथरूम स्लीपर्स, क्लोथ्स चेक, फुटवेयर चेक, अंडीज चेक, टॉयलेटरीज चेक, ऑल चेक. अरे वाह, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है तू. हाँ show your magic. वंश, वंश तेरा फोन. पापा है क्या? हेलो. हाँ जी. हाँ बोलिए. हाँ 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 जी. एक सेकंड. स्टैंड्स मिल गए. हाँ हाँ मैंने डाली थी. हाँ जी. हाँ जी सर, मैं तो मुंबई में हूं. आई एम डॉक्टर टंडन. फर्स्ट फ्लोर सेकंड कैबिन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आस्क हिम टू टेक डाइजिन एंड ही विल बी फाइन. कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है. आई डॉक्टर स्टेंट्स मिल गए. रियली? या. हाउ डिड यू गाइस मैनेज? मैम टू डेज इन द बाय. मेरा प्रेमी भाई जिंदा बाय. हेलो. या वन सेकंड. हम कौन से वाले चाहिए? वी नीड बीएमएस फोर्थ जनरेशन 5.5 एमएम. PMS 4th generation 5.5 mm. Correct. मैं अभी पैसे ट्रांसफर करूंगा. कब तक मिल जाएंगे? कल तक मैम. It's too risky. It's too late. We need it today. He's in Delhi. Try. We can't wait till tomorrow. इसलिए ना मैं आपको कॉल करता हूँ. Fuck. Earlier flight पकड़ के अगर हम दिल्ली गए. Late night से पहले कहाँ पहुँचेंगे यार वापस? स्वाति चौहान. What स्वाति चौहान? स्वाति bloody चौहान. Your classmate? वो yeah. hot वाली स्वाति? She's happily married. Air hostess Mumbai Delhi Mumbai sector. What? Hi Swati, where are you? She's in Delhi. No, yes. Haan dad, account details mil gaye. Okay, to fatak se paise transfer kar diye. Okay, theek. Haan Swati, so he'll be at T3 terminal in front of the Coca coffee shop. Yeah. Ab main aapke ghar se pick up kar lunga yahan pe. Haan. Are gaya yaar. Are yaar. Just trying to not picking up. Ye kya? Hi. Hi, Swati. Hi. Thank you so much. Good seeing you. All good.
all good. He is absolutely fine. Thank you so much, doctor. Thank you. इन बच्चों को बोलिए, it's unbelievable कि एक दिन में इन्होंने कैसे arrange कर ली stent. Twitter जिंदाबाद, right? Yeah, brainy boy जिंदाबाद. Of course, bye. Well, आप लोग भी आराम कर लीजिए. Anyways, he's going to be in ICU for 2 days. Okay? Thank you. Very good. और सीख ले कुछ, हैं? वही तो साथ में, इसलिए. अच्छा चलो, अब आप लोग घर चलो, मैं यहाँ रुकूँ. नहीं नहीं मैं रुकता हूँ, तुम लोग घर. अरे यार भाई साहब, कभी तो मान लिया करो आप, हैं? जाइए भाभी, जाइए. चलो चलो. तुम दोनों निकल जाओ, गाड़ी से निकल जाओ, मैं वंश के साथ आता हूँ. सितंबर 2010 में मैंने अपने हाथों से सेठी ट्रेवल पर यहाँ फाइनल लॉक लगाया. सो टुडे इज लाइक एन एनिवर्सरी. मैं हर 23 सितंबर को यहाँ आता हूँ. जब भी इस शॉप को देखता हूँ, सब कुछ पुराना याद आता है. वो एक्साइटमेंट, ढेर सारे एम्प्लॉयज का शोर शराबा, दिन रात टेलीफोन पर एयरलाइन वालों से बात करना, पैकेज टूर बनाना, कभी स्विट्जरलैंड के तो कभी बैंकॉक के, कस्टमर सेठी ट्रेवल्स खचाखच भरा रहता. मॉम को पता है आप आते हो यहाँ पे? कुछ पेन बड़े पर्सनल होते. तो मुझे क्यों बता रहे हो? तू अमेरिका जा रहे हो. ठीक किया तूने जो पैसे वापस नहीं लौटाए. तो प्रैक्टिकल है, काश मैं भी प्रैक्टिकल बन पाऊँ. इट्स ओके पापा, यू आर फाइन. मैं अपने बिजनेस को टाइम के साथ साथ मॉडिफाई नहीं कर पाया, तो लॉस पे लॉस होने लगे. कभी भी मैंने स्टाफ कम नहीं होने दिया. बिकॉज़ दे वर फैमिली फॉर यू ना, स्टाफ नहीं थे आपके लिए. इमोशंस ही दो बातें हैं. तो इमोशनल नहीं है, बहुत आगे जाएगा. ये ले, फॉरेक्स में मैंने 2 लाख रुपए का टॉप अप करवा दिया. नहीं पापा, इसकी जरूरत नहीं है. वो चाचू वालों ने, चाचू ने तुझे पैसे दिए. बट आई एम योर फादर. कमाल करते हो यार, महीना भर बात नहीं करते और फिर इमोशनल कर देते हो. कस्टमाइज करवाया? नहीं, तेरे नाम का मार्केट में मिलता है. ओवियो नाइस. ओए, एपिक इवेंट वालों से बात हुई थी. मोस्ट प्रोबब्ली आई विल हैव अ गिग दिस वीकेंड. थैंक्स हां फॉर पुशिंग मी. शाबाश चीते. चल ज्यादा सेटनी मत हो, वी गेटिंग लेट. कम. मैं और सेंटी. वंश, एयरपोर्ट पे चोरियां बहुत होती है. चोरी करने के लिए है क्या उसमें? मैगी और थेपले. चाबी संभाल कर. एक मिनट हिमांश, पानी. फ्लाइट मिस हो जाएगी, क्या कर रहे हो? मॉम, आ भी जाओ यार. कम ऑन गाइस, सेल्फी टाइम. हम सेल्फी लेके आ. पापा स्माइल. आई
बेटा बिना बाय किए जा रहा था? नहीं आंटी, मैं आपको ढूंढ रहा था। अच्छा बाय। केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना, मम्मी डैडी की चिंता मत करो, हम देख लेंगे उनको। और भाभी जब 2 साल बाद आप इससे मिलोगी ना, तब इसकी जबान में भी एक्सेंट होगा और बगल में हॉट ब्लॉन्ड जैसा हमारे साहबजादे ने किया टोरंटो जाके। एनीवे हम लोग कुछ देर हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर वेट कर रहा है सोसाइटी ऑफिस में। चलो ऑल द बेस्ट बेटा। चलो बाय बाय। थैंक यू। हेलो जी। हेलो। सब कुछ दे दिया ना? मैंने भी चेक किया। एक दूसरे को ख्याल रखना, वैसे ही जैसे तेरे पापा मेरा। वेट लीविंग। या कॉफी तो पिलाई नहीं तूने? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, मन करा तो एक्सेप्ट कर लूंगी। मन किया तो भेज दूंगा। टेक केयर। दादू की तबीयत की अपडेट्स आप भेज देना व्हाट्सएप पे। संतोष गाड़ी क्यों रुकी इतनी देर से? मैडम आगे जाम लगा है। इस समय? आज पीएम का विजिट है ना, इसके लिए सबको हटा रहे हैं। हाँ हटनी भी चाहिए ना, पूरे शहर को झुग्गी झोपड़ी बना के रखा है। Excellent reports. Very nice. और सब अगर इससे reports अच्छे हैं तो फिर discharge भी कर दीजिए please. अरे वो भी कर देंगे. Don't worry. आदादू, all okay? अरे यार क्या okay? कुछ नहीं okay. Yeah yeah, all good. He just needs to rest. Okay, thank you. Vansh. Hi papa. फ्लाइट मिस, यहाँ पे तो वंदना। क्या बोलूँ मैं, अब अंदर जाने से ही मना कर दिया, चेक इन नहीं किया। चेक इन नहीं किया? व्हाट इज दिस? ओ यार यहाँ पे इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, ऐसे कैसे चला जाऊँ? कॉलेज की फीस बेटा डॉलर में। पापा फीस फुल रिफंड हो जाएगी। हाँ टिकट के पैसों का थोड़ा सा नुकसान होगा बस। थोड़ा सा नुकसान होगा? व्हाट डू यू मीन थोड़ा सा नुकसान होगा? कॉलेज वाले सीट भी सेव करके रखेंगे। घर की क्राइसिस सॉल्व होने तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, उसके बाद मैं भी नेक्स्ट सेमेस्टर। तुझे पैसे की वैल्यू पता है? फैमिली की वैल्यू से ज्यादा है नहीं ना? राइट दादू से मिल लूं। हाय दादू। सरप्राइज। अरे तू फिर आ गया। पूरी लाइफ खुद को कहता रहा कि पापा की तरह नहीं बनूंगा। वेल गेस व्हाट, मैं तो साला उनका कार्बन कॉपी निकला। अंदर से तो मैं भी वही हूँ जो मैं उन्हें बुलाता था।
इमोशनल फूल।